अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के के मैथमेटिक्स। माय नेम इज़ मोहम्मद कामरान खान। आज के लेक्चर में हम कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री, ठीक है, एमएनएम तालपुर चैप्टर नंबर 2 का हम डेरिवेटिव पोर्शन का आज हम सेकंड टॉपिक करेंगे, जो है पार्शल डेरिवेटिव। जी बच्चों, क्या है पार्शियल डेरिवेटिव्स, क्या होते हैं बच्चों? ठीक है, तो पहला टॉपिक था सिंपल डेरिवेटिव। अब ये है डेरिवेटिव पोर्शन का सेकंड टॉपिक है पार्शियल डेरिवेटिव। बच्चों, हमारे पास होता है इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है बच्चों? जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, या फिर हम इसको लिखते हैं फाई ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। क्या मतलब कि अगर हमारा क्वेश्चन एक्स और वाई में गिवन हो, ठीक है, जिसको हम सेपरेट ना कर सकें, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, मसलन दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन, जिसमें एक्स और वाई को हम सेपरेट ना कर सकें या जिसमें एक से ज़्यादा वाई हो। तो जब भी इम्प्लिसिट फंक्शन होगा तो हम पार्शियल डेरिवेटिव यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये है पार्शियल जेड ओवर पार्शियल एक्स, का मतलब है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो इसके जो है लिमिट की फॉर्म में जो फार्मूला है पार्शियल डेरिवेटिव जेड का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो क्या है बच्चों? वो फार्मूला याद कर लो, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई ओवर डेल्टा एक्स। ये फार्मूला है बच्चों, इसको याद कर लो। जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई हो तो पार्शियल डेरिवेटिव जेड का विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा? लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई ओवर डेल्टा एक्स। ठीक है, ये है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो वाई एज ए कॉन्स्टेंट होगा बच्चों। ठीक है, अब इसी तरह पार्शियल जेड का पार्शियल डेरिवेटिव अगर हम विद रिस्पेक्ट टू वाई लें तो फिर क्या फार्मूला होगा? लिमिट, अब विद रिस्पेक्ट टू वाई ले रहे हैं तो चेंज किस में आएगा? वाई में। इधर विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे थे, चेंज किस में आ रहा था? एक्स में, वाई कॉन्स्टेंट था। अब विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे तो चेंज किस में आएगा? वाई में, और एक्स कॉन्स्टेंट रहेगा। तो क्या आ जाएगा? लिमिट डेल्टा वाई अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई ओवर डेल्टा वाई। ठीक है बच्चों, ये दो फार्मूले हैं, इससे हमारा क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व होगा। ठीक है, इन फार्मूलोज को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लें। ठीक है, चलें जी, ये मैंने नोट्स बनाए थे बीएससी के, मेरे पूरे यानी कि कैलकुलस की पूरी बुक के नोट्स बने हुए हैं, तो मैं यहाँ से आपको रीड करवा देता हूँ। जी बच्चों, पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है? इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है? यानी कि जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई या फाई ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। व्हेन इम्प्लिसिट फंक्शन इज गिवन देन वी यूज पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव जेड का विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है बच्चों? पार्शियल जेड बाई पार्शियल एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई ओवर डेल्टा। तो क्या हुआ? व्हेन वी टेक पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स देन वी टेक वाई को एज ए कॉन्स्टेंट। वही बात है जो मैंने आपको बताई है। इसी तरह पार्शियल डेरिवेटिव जेड का विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या होगा? हाँ जी, पार्शियल जेड और पार्शियल वाई इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा वाई अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स इंटू वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई ओवर डेल्टा वाई। ठीक है, व्हेन वी टेक पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई देन वी टेक एक्स एज ए कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये फार्मूलाज हैं, इनको दो फार्मूले हैं, इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लें। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। जी बच्चों, बुक का पेज है आपका 92 और क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है,
पार्शियल डेरिवेटिव का एक ही क्वेश्चन है, बाकी एग्जांपल्स हैं। तो क्या कहता है, फाइंड द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट 0 0 पर। ठीक है, यानी कि पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स फाइंड करो एट पॉइंट जीरो पर, और पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई फाइंड करो एट पॉइंट जीरो पर। दो पार्ट हैं, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू दिस, ठीक है, एक्स और वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो, और एफ ऑफ जीरो जीरो इज इक्वल टू जीरो, ये आपको गिवन है। और दूसरा पार्ट ये है, तो हम दोनों पार्ट करते हैं बच्चों। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट, बाय गिवन इंफॉर्मेशन एक पार्ट मैं खुद कर देता हूं बच्चों आपको, एक मैं वहां से आपको रीड करवा दूंगा। हाँ जी, बाय गिवन इंफॉर्मेशन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू आपको दे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर एक्स माइनस वाई, और गिवन है कि एफ ऑफ जीरो जीरो इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि एफ ऑफ एक्स वाई, हाँ जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं। तो ये बच्चों इसे कैंसिल हो गया, तो मेरे पास एफ ऑफ एक्स वाई क्या रह गया, एक्स प्लस वाई। ठीक है, नौ अब हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। हाँ जी, नौ क्या लिखेंगे, पार्शियल पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ का विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज, हाँ जी, विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो क्या होगा बच्चों, हाँ जी, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो चेंज तो एक्स में आएगा, तो क्या फार्मूला था, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई ओवर डेल्टा एक्स। ठीक हो गया, अब उसमें क्या था, पार्शियल डेरिवेटिव एफ का विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है एट पॉइंट जीरो जीरो पर, तो इसका मतलब है जहां पर एक्स है जीरो पुट कर दो, और जहां पर वाई है वहां पे भी जीरो पुट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ, हाँ जी, एक्स की जगह जीरो प्लस डेल्टा एक्स, वाई की जगह जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो, एक्स की जगह भी जीरो आ गया वाई की जगह भी जीरो आ गया ओवर डेल्टा एक्स। तो बच्चों ये क्या बन गया आपके पास, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, हाँ जी, एफ ऑफ जीरो प्लस डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स व जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो ओवर डेल्टा एक्स। चलें बच्चों, अब जस्ट क्या करनी है, वैल्यू पुट कर दो, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। अब मुझे एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स व जीरो की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर मुझे गिवन है कि एफ ऑफ एक्स वाई, ये बच्चों पॉइंट देखने वाला है, एफ ऑफ एक्स वाई मुझे क्या गिवन है, हमने सिंप्लीफाई करके क्या निकाला था, एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स वाई है मेरा एक्स प्लस वाई, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एफ ऑफ डेल्टा एक्स, इसका मतलब है जहाँ पर एक्स है डेल्टा एक्स पुट कर दो, और फिर इधर क्या चाहिए, जीरो, तो इट मीन जहाँ पर वाई है जीरो पुट कर दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा डेल्टा एक्स प्लस जीरो, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, एफ ऑफ डेल्टा एक्स व जीरो का आंसर क्या आ गया, डेल्टा एक्स। बात समझ आ रही है बच्चों, मुझे चाहिए एफ ऑफ एक्स वाई, ये है एक्स प्लस वाई, मुझे चाहिए एफ ऑफ डेल्टा एक्स व जीरो, तो इसका मतलब है जहां पर एक्स है डेल्टा एक्स पुट कर दो, और जहां पर वाई है जीरो पुट कर दो, तो मेरे पास आंसर डेल्टा एक्स आ गया। तो यहां पर इसकी वैल्यू आ गई डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो, उसने खुद हमें दे दिया है क्वेश्चन में, दे दिया कि एफ ऑफ जीरो जीरो इज इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, जीरो ओवर डेल्टा एक्स। चलें बच्चों जी, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, हाँ जी, ये क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स, तो ये से कैंसिल हो जाएगा, ये से कट के वन हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, वन। तो ये आगे बच्चों पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स एट पॉइंट जीरो जीरो पर आंसर मेरा क्या आ गया, वन। क्लियर हो गया, नौ अब पार्शियल डेरिवेटिव, ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई इज, हाँ जी, विद रिस्पेक्ट टू वाई बताओ, तो क्या आ जाएगा, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई, हाँ जी, फार्मूला क्या होता है, लिमिट डेल्टा वाई अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स,
चेंज किस में आएगा, वाई में, तो एफ ऑफ एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई ओवर डेल्टा वाई। चलें जी, अब मुझे चाहिए था पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई एट पॉइंट 0 0 पर, तो ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा वाई अप्रोचेस टू 0, जहां पर एक्स है 0 पुट कर दें और जहां पर वाई है 0 पुट कर दें, माइनस एफ ऑफ 0 0 ओवर डेल्टा वाई। क्लियर हो गया बच्चों? चलें बच्चों, अब मुझे क्या चाहिए, हाँ जी ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा वाई अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ 0 व डेल्टा वाई माइनस एफ ऑफ 0 0 ओवर डेल्टा वाई। अब एफ ऑफ 0 0 तो मुझे दे दिया उसने 0, अब मुझे एफ ऑफ 0 व डेल्टा वाई फाइंड करना है। ठीक है, चलें बच्चों अभी फाइंड कर लेते हैं। तो हाँ जी, हमें क्या दिया हुआ है, हमें एफ ऑफ एक्स वाई उसने दे दिया है एक्स प्लस वाई, और मुझे क्या चाहिए एफ ऑफ 0 यानी जहाँ पर एक्स है 0 पुट कर दो और वाई की जगह क्या चाहिए डेल्टा वाई, तो जहाँ पर वाई है डेल्टा वाई पुट कर दे, तो ये आ जाएगा 0 प्लस डेल्टा वाई। तो एफ ऑफ 0 व डेल्टा वाई की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, डेल्टा वाई। ठीक हो गया, अब ये वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दें बच्चों, तो ये बन जाएगा पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई एट पॉइंट 0 0 पर, वो क्या होगा लिमिट डेल्टा वाई अप्रोचेस टू 0, हाँ जी एफ ऑफ 0 व डेल्टा वाई, तो एफ ऑफ 0 व डेल्टा वाई की वैल्यू क्या आई है डेल्टा वाई माइनस एफ ऑफ 0 0 आपको 0 गिवन है, और ये डेल्टा वाई मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों, वैसे ही आ जाएगा, तो ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा वाई अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा वाई, ये इसे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बच्चों पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई एट पॉइंट 0 0 पर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये था बच्चों आंसर आपका। ठीक है, तो अब हम इसका सेकंड पार्ट, वो मैं आपको वहां से रीड करवा देता हूँ। जी बच्चों, ये मैंने फर्स्ट पार्ट ये मैंने सारा कर दिया आपको, ठीक है ये वाला यहाँ तक मैंने कर दिया। अब सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं, तो सेकंड पार्ट में क्या कहता है बच्चों, हाँ जी बाय गिवन इन्फॉर्मेशन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, तो पॉइंट दे दिया पी 0 0 पॉइंट पर आपने पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, और एफ ऑफ 0 0 इज इक्वल टू 0 है, तो वही पार्शियल डेरिवेटिव एफ का विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज, हाँ जी पार्शियल एफ ऑफ पार्शियल एक्स ये फार्मूला है, तो फिर एट पॉइंट 0 0 पर ये एक्स भी 0 आ जाएगा, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स एट पॉइंट 0 0 पर मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों, ये चीज़ आ गई। ठीक है, चलें जी, तो ये आ जाएगा मेरे पास, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। अब एफ ऑफ 0 0 तो मुझे 0 गिवन है, अब मुझे एफ ऑफ डेल्टा एक्स व 0 की वैल्यू निकालनी है, तो एफ ऑफ एक्स वाई है एक्स वाई ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, तो यहाँ पर एक्स है वहाँ पर आप पुट कर दें डेल्टा एक्स और वाई को आप पुट कर दें 0, क्योंकि मुझे डेल्टा एक्स व 0 चाहिए, तो ये आ जाएगा डेल्टा एक्स व 0 ओवर डेल्टा एक्स स्केयर प्लस 0 का स्केयर। अच्छा जी, ये 0 है, सबसे मल्टीप्लाई होगा 0, 0 ओवर समथिंग इज इक्वल टू 0 हो जाएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा 0 माइनस, ये तो पहले की मन है 0 है, तो 0 ओवर 0, 0 ओवर समथिंग इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स एट पॉइंट 0 0 पर आपको 0 आ गया। नो, पार्शियल डेरिवेटिव एफ का विद रिस्पेक्ट टू वाई, हाँ जी पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई ये फार्मूला होता है बच्चों, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई एट पॉइंट 0 0 पर, जहाँ पर एक्स है 0 पुट कर दो, वाई को भी 0 पुट कर दो, माइनस एफ ऑफ 0 0 ओवर डेल्टा वाई, तो सॉल्व करेंगे तो मेरे पास एफ ऑफ 0 ओवर डेल्टा वाई माइनस एफ ऑफ 0 0 ओवर डेल्टा वाई। अब मुझे क्या चाहिए एफ ऑफ 0 ओवर डेल्टा वाई, तो एफ ऑफ एक्स वाई गिवन है, एक्स की जगह 0 पुट कर दो और वाई की जगह डेल्टा वाई पुट कर दो, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 0 इंटू डेल्टा वाई ओवर 0 का स्क्वायर पर डेल्टा वाई का स्क्वायर, तो 0 ओवर समथिंग इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा बच्चों 0 माइनस जीरो ओवर डेल्टा वाई, तो 0 ओवर समथिंग इज इक्वल टू 0, तो ये भी मेरे पास आ गया पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई एट पॉइंट 0 0 पर आंसर मेरा क्या आ गया 0। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये था
पार्शियल डेरिवेटिव से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। अब हम इसकी एग्जांपल्स की तरफ आते हैं बच्चों, ठीक है जी बच्चों। एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर वन बुक का पेज 83 पर है, वो कहता है मैं z दे रहा है, z इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर, और आपको कहता है कि पार्शियल z ओवर पार्शियल x फाइंड करके दो और दूसरा फाइंड कर दो पार्शियल z ओवर पार्शियल y, ठीक हो गया बच्चों। चले नो, हाँ जी क्या करेंगे, पार्शियल z ओवर पार्शियल x, तो क्या दोनों पार्शियल डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू x, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर, ठीक है बच्चों। एक दो क्वेश्चन मैं आपको कर देता हूँ, बाकी मैं वहां से रीड करवा दूंगा, ठीक है। चलें जी, अब यहाँ पे याद रखिएगा, अगर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो वाई एज ए कांस्टेंट होगा, अगर अकेला कांस्टेंट होगा वाई होगा तो जीरो लिख लेंगे, अगर कांस्टेंट के साथ वेरिएबल मीन एक्स पड़ा होगा तो वाई को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। अब ये देखो विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं तो ए तो कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरीवेटिव क्या आ जाएगा टू एक्स, तो ये बन जाएगा टू ए एक्स, ठीक हो गया। प्लस अब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं तो टू भी कांस्टेंट है, एच भी कांस्टेंट है और वाई भी कांस्टेंट है बच्चों, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो वाई कांस्टेंट होता है, तो ये देखो कांस्टेंट के साथ वेरिएबल एक्स पड़ा है तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दे तो बन जाएगा टू एच वाई बाहर आ जाएगा और पार्शियल डेरिवेटिव एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो वन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं तो क्या होगा बच्चों, y कांस्टेंट होगा, अब विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं तो y कांस्टेंट है तो ये भी b भी कांस्टेंट है, y स्क्वायर भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट सारा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, जीरो। देखें अकेला कांस्टेंट होगा यानी y स्क्वायर y अलग है, अकेला है कोई x नहीं है तो जीरो होगा डेरिवेटिव, अगर इनके साथ x मौजूद है कांस्टेंट के साथ वेरिएबल पड़ा है तो कांस्टेंट बाहर निकाल देंगे और यहाँ पर x नहीं था तो इसलिए इसका डेरिवेटिव जीरो आ गया, ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा पार्शियल z ओवर पार्शियल x इज इक्वल टू टू ए एक्स प्लस टू एच वाई। इसी तरह अब नौ, पार्शियल डेरिवेटिव z का लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो अब x एज ए कांस्टेंट होगा, जहाँ पर अकेला x होगा यानी कोई साथ y नहीं होगा तो उसका डेरिवेटिव जीरो आ जाएगा। अब विद रिस्पेक्ट टू वाई ले रहे हैं तो एक्स कांस्टेंट है, तो देखें ए भी कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर ये भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा, जीरो, क्योंकि कोई वेरिएबल वाई नहीं पड़ा, अब इसमें वेरिएबल वाई है। अच्छा जी, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई ले रहे हैं तो टू भी कांस्टेंट है, एच भी कांस्टेंट है, एक्स भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के साथ वेरिएबल पड़ा है वाई, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लें और वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या होगा, वन होगा। चलें जी, अब विद रिस्पेक्ट टू वाई ले रहे हैं तो बी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, वाई स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, टू वाई, तो ये आ जाएगा टू वाई। तो ये आ गया बच्चों पार्शियल दैट ओवर पार्शियल वाई इज इक्वल टू, हाँ जी, टू एच एक्स प्लस टू बी वाई, ठीक है बच्चों। अब इसका बी पार्ट की तरफ को मैं आपको वहां से रीड करवा देता हूँ जी। बी पार्ट में कहते हैं कि z इज इक्वल टू एक्स क्यूब, सेकेंड पार्ट है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस थ्री ए एक्स वाई, तो पार्शियल z बाई पार्शियल x फाइंड करना, तो विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो y कांस्टेंट होगा, तो x की थ्री का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर, y अकेला कांस्टेंट है इसका जीरो आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं तो थ्री ए वाई बाहर आ जाएगा, x का वन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर, यानी कि ये देख लें, हाँ जी, तो क्या आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर वाई क्यूब का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो वाई क्यूब कांस्टेंट है तो जीरो आ जाएगा, माइनस विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं तो थ्री ए वाई बाहर आ जाएगा, एक्स का वन हो जाएगा, ठीक है। नो, पार्शियल डेरिवेटिव जेड का विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू वाई ले रहे हैं तो अब एक्स कांस्टेंट होगा, एक्स क्यूब अकेला एक्स है तो इसका जीरो हो जाएगा, प्लस हाँ जी विद रिस्पेक्ट टू वाई तो थ्री वाई स्केयर, वाई क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर नीचे पावर में की कमी, तो थ्री वाई स्केयर डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी, पावर वाई की, तो पार्शियल वाई ओवर पार्शियल वाई वो वन हो जाता है,
तो -3ax कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू वाई ले रहे हैं तो एक्स कांस्टेंट है, तो -3ax बाहर आ जाएगा, वाई का 1 हो जाएगा, तो सिंपल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों थर्ड। हाँ जी, इफ़ जेड इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स ओवर वाई प्लस टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स, देन शो डेट एक्स पार्शल दैट बाई पार्शल एक्स प्लस वाई पार्शल दैट ओवर पार्शल वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में भी आता है। तो क्या कहता है, पहले जेड को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे, जो आंसर आएगा उसको मैं एक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा, उस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूंगा, फिर वाई को जेड को विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करूंगा। ठीक है, फिर वाई से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके 2 का नाम, फिर दोनों को ऐड कर दूंगा, जैसे दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेरा कट के मेरा आंसर 0 आ जाएगा। कैसे आएगा ये ज़रा देखते हैं। हाँ जी, जेड दे दिया, जेड इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स ओवर वाई प्लस टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। तो अब क्या करना है बच्चों, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड का विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज, वो क्या होगा, दोनों तरफ पार्शियल डेरिवेटिव ले लें। ठीक है, अब आपको पता है साइन इनवर्स दिस, तो साइन इनवर्स यू का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, 1/√1 माइनस यू का स्केयर, फिर पार्शियल यू और पार्शियल एक्स। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स ओवर वाई का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, 1/√1 माइनस एक्स ओवर वाई होल स्केयर, फिर पार्शल एक्स ओवर वाई, इसका अंदर वाले एंगल का भी डेरिवेटिव लेते हैं, यानी कि ठीक है, तो ये आ जाएगा प्लस। हाँ जी, टेन इनवर्स यू, टेन इनवर्स यू का डेरिवेटिव क्या होता था, इस केस में यू आपका वाई ओवर एक्स है, तो टेन इनवर्स यू का डेरिवेटिव होता था 1/1 प्लस यू का स्केयर यानी वाई ओवर एक्स का स्केयर, फिर पार्शल यू और पार्शल एक्स। ठीक है, चलें बच्चों जी, अब इसका क्या करें, ये आ जाएगा 1 − x² ओवर वाई स्केयर। हाँ जी, पार्शियल डेरिवेटिव एक्स ओवर वाई का, तो वाई तो कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं तो वाई कांस्टेंट है, तो 1/y तो बाहर आ जाएगा, बाकी एक्स रह जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा, तो एक्स ओवर वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/y। ठीक है, प्लस जी ये आ जाएगा 1 + y² ओवर एक्स स्केयर। हाँ जी मान, अब वाई ओवर एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं तो वाई तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो आ जाएगा बाहर, यानी वाई बाहर आ जाएगा, बाकी रह जाएगा 1/x। क्या रह जाएगा, 1/x, और 1/x का जो पार्शियल डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो क्या होता है, -1/x². ठीक है, 1/x का पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, -1/x², तो y बाहर आ गया था, तो ये बन जाएगा 1/x का -1/x², तो ये आ जाएगा y/x का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x -y/x². ठीक है, बाकी तो सिंपल सिंप्लीफिकेशन है। चलें जी, अब क्या करें, नीचे वाले का एलसीएम ले लें, क्योंकि इसके नीचे 1 है, तो y² − x² ओवर y², इसको स्केयर रूट अलग दे दें, इसको अलग दे दें, ये उलट के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा वाई ओवर दिस इंटू वाई, तो इससे ये कैंसिल हो गया माइनस। हाँ जी, इसका एलसीएम लें, इसके नीचे 1 है तो x² एलसीएम आ जाएगा, अब ये उलट के ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा x² ओवर x² + y². ठीक है, ये x² से ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, बाकी 1/√y² − x² − y/x² + y² तो ये देखें बच्चों, ये आ गया। ठीक है, अब क्या करें, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाय एक्स, इधर भी एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी एक्स से मल्टीप्लाई, जैसे एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे ये एक्स ओवर दिस माइनस एक्स वाई ओवर दिस। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब पार्शियल डेरिवेटिव जेड का विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे, तो पार्शियल जेड ओवर पार्शियल वाई आ जाएगा बच्चों, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई इज इक्वल टू दिस, तो साइन इनवर्स यू, इस केस में यू आपका एक्स ओवर वाई है, तो साइन इनवर्स यू का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, 1/√1 − u² फिर पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स, यानी एक्स ओवर वाई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे। ठीक है, इसी तरह टेन इनवर्स यू का पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा, प्लस 1/1 + u² यानी y/x² फिर पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स। ठीक है, चलें जी, अब आ गया विद रिस्पेक्ट टू वाई ले रहे हैं, तो एक्स ओवर वाई का पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, तो देख लें बच्चों, विद रिस्पेक्ट टू वाई ले रहे हैं तो एक्स तो एज ए कॉन्स्टेंट होगा, एक्स को बाहर निकाल दें, बाकी रह जाएगा 1/y, और आपको पता है 1/y का पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा, -1/y², तो ये बन जाएगा -x/y² प्लस।
ये वाई स्क्वेयर ओवर एक्स स्क्वेयर, हाँ जी, वाई ओवर एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव। तो विद रिस्पेक्ट टू वाई ले रहे हैं तो एक्स तो कांस्टेंट है, एक्स बाहर निकाल दें तो बाहर निकलेगा तो वन ओवर एक्स रह जाएगा, वन ओवर एक्स हो जाएगा, और वाई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई वो वन हो जाएगा, तो इसलिए वाई ओवर एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव क्या बना, वन ओवर एक्स। ठीक है, बस यही पॉइंट समझने वाला होता है, बाकी तो कुछ भी नहीं है, बाकी तो सिंपल बच्चों वाला काम है। हाँ जी, इनका एलसीएम ले लें तो वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है, नीचे वाले का स्क्वेयर रूट अलग करेंगे तो जस्ट वाई रह जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, तो वाई ओवर दिस माइनस एक्स ओवर वाई स्क्वेयर, इससे ये एक वाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, बाकी माइनस एक्स ओवर वाई रह जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स ओवर वाई इंटू स्क्वेयर रूट वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। हाँ जी, यहाँ से इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लिया तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ओवर एक्स स्क्वेयर, ये एक्स स्क्वेयर ऊपर चला जाएगा, एक्स स्क्वेयर ओवर दिस, यहाँ से ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई का स्क्वेयर। अब क्या करें बच्चों, हाँ जी, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो वाई पार्शल दैट ओवर पार्शल वाई माइनस एक्स ओवर स्क्वेयर रूट वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस दिस, यानी दोनों तरफ y से मल्टीप्लाई करें, जैसे हम y से मल्टीप्लाई करेंगे ये y से ये y ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये रह जाएगा और इधर y आ जाएगा। अब इस इक्वेशन नंबर टू का नाम दे दें, अब एडिंग इक्वेशन वन एंड टू। जी बच्चों, एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, तो लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड होगी, तो ये चीज आ गया इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पे देखें एक्स ओवर स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, ये प्लस का ये माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस का एक्स वाई ओवर एक्स ये इससे कैंसिल हो जाएगा प्लस वाले से, तो ये जीरो आ गया, और यही तो हमने प्रूव करना था कि एक्स पार्शियल दैट और पार्शियल एक्स प्लस वाई पार्शियल दैट पार्शियल वाई इज इक्वल टू जीरो। क्लियर हो गया बच्चों? चलें जी, फोर्थ पार्ट है कि इफ जेड इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस एक्स स्केयर वाई स्केयर, देन शो डैट एक्स पार्शियल दैट पार्शियल एक्स प्लस वाई पार्शियल दैट और पार्शियल वाई इज इक्वल टू फोर जेड। ठीक है, तो वही सोल्यूशन जेड इज इक्वल टू एक्स स्केयर वाई स्केयर है, इक्वेशन नंबर एक का नाम दे दें। हाँ जी, पार्शियल डेरिवेटिव जेड का विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज क्या होगा, दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव ले लें। अब देख लें बच्चों, विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं तो वाई तो कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट के साथ वेरिएबल एक्स पड़ा है ना, तो वाई स्केयर बाहर आ जाएगा, एक्स स्केयर का टू एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, टू एक्स वाई स्केयर। ठीक हो गया, क्या मतलब कि जब इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो वाई स्केयर को विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं तो वाई स्केयर तो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा वाई स्केयर, बाकी रह जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स एक्स स्केयर का, तो एक्स स्केयर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, तो बच्चों टू एक्स, और ये मल्टीप्लाई होके तो ये आ जाएगा वाई टू एक्स वाई स्केयर। ठीक है, तो ये पार्शियल डेरिवेटिव किसका आ गया, एक्स स्केयर वाई स्केयर का पार्शियल डेरिवेटिव। विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं तो वाई स्क्वेयर को बाहर निकाल देंगे। इसी तरह अब ये आ गया, आप दोनों तरफ मल्टीप्लाइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दें तो ये बन जाएगा टू एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, इसे इक्वेशन नंबर वन का नाम दे दें। नो, अब पार्शियल डेरिवेटिव जेड का विद रिस्पेक्ट टू वाई इज, तो ये आ जाएगा पार्शियल जेड और पार्शियल वाई इज इक्वल टू दिस है। अब विद रिस्पेक्ट टू वाई ले रहे हैं तो एक्स स्क्वेयर कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा एक्स स्क्वेयर, बाहर आ जाएगा, और वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, टू वाई, तो क्या बन जाएगा, टू एक्स स्क्वेयर वाई। ठीक है, अब मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाय वाई, तो ये आ जाएगा, अब ये वाई है तो वाई स्क्वेयर हो जाएगा, एडिंग इक्वेशन वन एंड टू को ऐड कर दें तो लेफ्ट लेफ्ट में ऐड हो जाएगी और राइट साइड राइट में ऐड हो जाएगी। जी बच्चों, एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, तो एक्स पार्शियल दैट ओवर पार्शियल एक्स प्लस वाई पार्शियल दैट ओवर पार्शियल वाई इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब यहाँ पे टू एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस टू एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, तो ये बन जाएगा फोर एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, और हमें पता है के फ्रॉम इक्वेशन ए क्या कह रही है, जेड इज इक्वल टू है एक्स स्केयर वाई का स्केयर के, तो फ्रॉम इक्वेशन वन से पता चला एक्स स्केयर वाई स्केयर इज इक्वल टू किसके इक्वल है, जेड के, तो ये मेरा आ जाएगा फोर जेड, और यही तो मैंने प्रूव करना था बच्चों। ठीक हो गया, नेक्स्ट पार्ट है कि इफ जेड इज इक्वल टू ई की ए एक्स कॉस बी वाई, देन शो डैट के पार्शियल जेड ओवर पार्शियल एक्स इज इक्वल टू ए और पार्शियल जेड ओवर पार्शियल वाई इज इक्वल टू जीरो एट पॉइंट जीरो जीरो पर, मेरा आंसर ए आता है, और z का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इस पॉइंट पर जीरो आता है। अभी प्रूव कर देते हैं बच्चों। हाँ जी, z इज इक्वल टू दिस, ये दे दिया है, पार्शियल डेरिवेटिव z का विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे। ठीक है, तो दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे देखो बच्चों,
विद पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं तो वाई कांस्टेंट होगा बच्चों। तो यहाँ पे देखें कॉस बी वाई है, तो ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दें तो ये बाहर आ जाएगा। बाकी पार्शियल डेरिवेटिव किसका आ जाएगा, ई की ए एक्स का। तो ई की यू का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, ई की यू फिर पार्शियल यू, यानी कि ये फार्मूला होता है पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स ई की यू का डेरिवेटिव क्या होता है, ई की यू फिर पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स। ठीक है, तो ई के ऊपर जो पावर होगी वो आपका यू कहलाएगा। तो e की ए एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, e की ए एक्स, फिर ए एक्स का क्या आ जाएगा, ए बाहर आ जाएगा और x का वन हो जाएगा। तो e की ए एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा a e की ए एक्स। ठीक हो गया, तो ये आ जाएगा पार्शियल दैट ओवर पार्शियल x इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, a e की ए एक्स कॉस बी वाई। तो अब एट पॉइंट जीरो जीरो पे चाहिए, तो जहाँ पर x है y है जीरो पुट कर दें, तो a e की a इंटू एक्स की जगह जीरो आ जाएगा, कॉस बी इंटू जीरो। ठीक है, तो ये बन जाएगा a इंटू जीरो जीरो, e की पावर जीरो वो आपका वन होता है, और ये बन जाएगा जीरो इंटू बी जीरो और cos जीरो भी वन होता है। तो देखें बच्चों मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है। अब हमने क्या प्रूव करना है कि z का पार्शियल डेरिवेटिव एट पॉइंट जीरो जीरो पे जीरो आता है। कैसे आता है बच्चों, ये देख लें, नो पार्शियल डेरिवेटिव z का विद रिस्पेक्ट टू y इज, हाँ जी दोनों तरफ y के साथ। अब देखें बच्चों विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं तो x एज ए कॉन्स्टेंट होगा, ये बाहर निकल आएगा e की ए एक्स, क्योंकि कॉन्स्टेंट के साथ वेरिएबल पड़ा है। तो जब कॉन्स्टेंट के साथ वेरिएबल पड़ा हो, यानी कि पार्शल और पार्शल y, हाँ जी, तो c f ऑफ x तो क्या होता है बच्चों, f ऑफ y। तो कॉन्स्टेंट के साथ वेरिएबल हो तो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, पार्शल डेरिवेटिव किसका आ जाएगा, f ऑफ y का। तो विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं तो x एज ए कॉन्स्टेंट होता है, तो e की x बाहर आ जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव y किसका आ जाएगा, cos भी y का। और आपको पता है cos u का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन u फिर पार्शियल u और पार्शियल x। cos के बाद जो भी होगा वो आपका u कहलाएगा, तो इस केस में u आपका बी एक्स है। तो cos u का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस साइन बी एक्स और फिर बी वाई का विद रिस्पेक्ट टू y, तो b कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, वाई का वन हो जाएगा। तो cos बी वाई का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस बी साइन बी वाई। तो जब इसे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा cos पार्शियल दैट ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू माइनस बी ई की ए एक्स साइन बी वाई। अब पार्शियल दैट ओवर पार्शियल x एट पॉइंट जीरो जीरो पर वो क्या आ जाएगा, जहाँ पर x है जीरो पुट कर दें, y की जगह जीरो पुट कर दें, तो आपको पता है ये e की पावर जीरो ये वन हो जाएगा और साइन जीरो जीरो होता है, तो जीरो इससे मल्टीप्लाई होकर सारा जीरो हो जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों जी। बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जेड इज इक्वल टू साइन इनवर्स दिस, ये दे दिया और कहते हैं पार्शियल दैट ओवर पार्शियल एक्स और पार्शियल दैट ओवर पार्शियल वाई फाइंड करें। तो ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इस टॉपिक की, ठीक है। तो लेते हैं जी सिंपल पार्शियल डेरिवेटिव जेड का विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज, कैसे लिखेंगे, पार्शियल दैट बाय पार्शियल एक्स इज इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स यू, ठीक है। अब साइन इनवर्स यू का जो डेरिवेटिव होता है बच्चों वो आपका क्या होता है, तो फार्मूला मेंशन कर दूं, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स साइन इनवर्स यू। साइन इनवर्स यू का डेरिवेटिव होता है बच्चों वन ओवर स्केयर रूट वन माइनस यू का स्केयर फिर पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स, ये होता है साइन इनवर्स यू का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो इस केस में इनवर्स साइन इनवर्स के बाद जो भी होगा वो आपका यू कहलाएगा, तो इस केस में यू आपका क्या है, एक्स प्लस वाई ओवर दिस। तो साइन इनवर्स यू का पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा, वन ओवर स्केयर रूट वन माइनस यू स्केयर फिर इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यानी कि वन ओवर स्केयर रूट वन माइनस यू स्केयर फिर पार्शियल यू और पार्शियल है। अब यहाँ पे देखें विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं तो ऊपर भी एक्स है नीचे भी एक्स है, तो कोशेंट रूल, ठीक है, हाँ जी, इसका अलग स्केयर कर दें इसका अलग कर दें, ठीक है। अब नीचे वाले का कोशेंट रूल लगाओ, नीचे वाले का स्केयर नीचे वाला वैसे पार्शियल डेरिवेटिव ऊपर वाले का माइनस ऊपर वाला वैसे पार्शियल डेरिवेटिव नीचे वाले फंक्शन का, ठीक हो गया। चलें जी अब इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम लेने के साथ इसके नीचे वन है तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस दिस ओवर, हाँ जी, नीचे वाले का स्केयर नीचे वाला वैसे पार्शियल डेरिवेटिव ऊपर वाले, तो एक्स का वन हो जाएगा और वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो जीरो हो जाएगा, तो ये वन आ जाएगा।
माइनस ऊपर वाला, वैसे अब पार्शियल डेरिवेटिव नीचे वाले का। अब स्केयर रूट एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 स्केयर रूट एक्स, ठीक है। स्केयर रूट एक्स का क्या होता है बच्चों, पावर रूल लगाएं, पावर नीचे पावर में की कमी, एक्स का फिर 1 हो जाएगा। तो स्केयर रूट एक्स का जो पार्शियल डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/2 स्केयर रूट एक्स। अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं तो वाई तो कॉन्स्टेंट है, तो इसका तो आ जाएगा 0 और स्केयर रूट एक्स का आ जाएगा 1/2 स्केयर रूट एक्स। चलें बच्चों बाकी तो अब सिंपल सिंप्लीफिकेशन है जी बच्चों। अब यहाँ पे आ जाएगा ये, इसका पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा एक्स का 1/2 स्केयर रूट एक्स। अब ये आ जाएगा, हाँ जी, तो ये इसके नीचे आ जाएगा और इसका आपने ऊपर वाले का अलग स्केयर रूट किया, नीचे वाले का अलग किया, तो ये स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो गया और ये उलट के ऊपर चला गया, तो यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पे स्केयर था तो एक इससे कट हो गया बच्चों, बाकी एक रह जाएगा। अब इस नीचे वाले का भी एलसीएम ले लें, ठीक है, तो 2 स्केयर रूट एक्स ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा, इसका एलसीएम लिया तो इसके नीचे 1 था तो 2 स्केयर रूट एक्स मल्टीप्लाई ओवर दिस, तो यहाँ से ये एक कैंसिल हो गया, बाकी ये रह जाएगा, ठीक हो गया। चलें बच्चों अब यहाँ पर देखें, इस 2 स्केयर रूट एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो जब 2 स्केयर रूट एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो 2x रह जाएगा, 2x बन जाएगा। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 स्केयर रूट एक्स वाई माइनस का एक्स माइनस का वाई। अब 2x में से माइनस एक्स चला गया तो बाकी एक एक्स रह जाएगा, ठीक है, और इस 2 स्केयर रूट एक्स को नीचे ले आए तो ये बन जाएगा बच्चों, ठीक हो गया। तो यहाँ पे 2x में से एक x चला गया तो x रह जाएगा x प्लस 2 स्केयर रूट एक्स वाई माइनस वाई ओवर दिस। तो ये बच्चों आपका पार्शियल डेरिवेटिव आ गया विद रिस्पेक्ट टू x, z का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर हो गया बच्चों, पॉइंट वही था कि यहाँ पर पहले फार्मूला लगाएं फिर क्वेश्चन रूल लगाएं। अब इसी तरह आ जाओ बच्चों इस पे, पार्शियल डेरिवेटिव जेड का विद रिस्पेक्ट टू वाई, हाँ जी, तो विद रिस्पेक्ट टू वाई तो वही है, साइन इनवर्स यू का पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा, 1/ स्केयर रूट 1 माइनस यू स्केयर और पार्शियल यू और पार्शियल वाई। अब यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे तो इधर भी ऊपर भी वाई है नीचे भी वाई है, तो क्वेश्चन रूल आ जाएगा, हाँ जी, वो क्या कहता है, हाँ जी, इसका स्केयर रूट अलग अलग कर दें, हाँ जी, इसका क्वेश्चन रूल नीचे वाले का स्केयर नीचे वाला वैसे पार्शियल डेरिवेटिव ऊपर वाले का माइनस ऊपर वाला वैसे पार्शियल डेरिवेटिव नीचे वाले फंक्शन का, ठीक है। चलें बच्चों अब इसका एलसीएम ले लें, तो इसके नीचे 1 है तो ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा, हाँ जी, नीचे वाले का स्केयर नीचे वाला वैसे पार्शियल डेरिवेटिव ऊपर वाले का। विद रिस्पेक्ट टू वाई ले रहे हैं तो एक्स का 0 हो जाएगा और वाई का 1 हो जाएगा, माइनस ऊपर वाला वैसे पार्शियल डेरिवेटिव नीचे वाले का, तो नीचे वाला फंक्शन था ये वाला, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव जब लेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू वाई ले रहे हैं तो स्केयर रूट एक्स का तो 0 आ जाएगा और स्केयर रूट वाई का आपका जो पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा, स्केयर रूट वाई का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/2 स्केयर रूट वाई, ठीक हो गया। चलें बच्चों जी यही पॉइंट था बस। अब यहाँ पे ऊपर वाले को स्केयर रूट अलग कर दें, नीचे वाले को अलग कर दें, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर आने से मेरे पास ये इसे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच्चों इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है, ये आ जाएगा x प्लस वाई ओवर 2 स्केयर रूट वाई, ठीक है, इसके नीचे 1 है तो ये जब एलसीएम लोगा 2y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये देखें बच्चों 2y मल्टीप्लाई हो गया। अब इस 2y को नीचे ले आए और 2y को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 2, जब स्केयर रूट एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 स्केयर रूट एक्स वाई प्लस 2 स्केयर रूट वाई का स्केयर, तो 2y हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई, तो आपके पास बच्चों ये आ जाएगा, ठीक है, ये नीचे आ जाएगा तो 2 स्केयर रूट वाई ओवर दिस, ठीक है, तो ये इसे मल्टीप्लाई 2y में से एक y चला गया तो बाकी क्या आ जाएगा, जस्ट y आ जाएगा, तो ये मेरे पास ये रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है, पार्शियल z ओवर पार्शियल y, तो ये है पार्शियल डेरिवेटिव z का विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल थी, ठीक है, पेपर में आती है, इसको आप अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। चलें जी अब इसका लास्ट लेक्चर देखते हैं, वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है।
तो मैंने यही सोचा कि इस टॉपिक को ना एक ही लेक्चर में कवर किया जाए। चलें जी, आखिरी है कि इफ़ यू इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3xy, देन फिर शो करें कि पार्शल यू और पार्शल एक्स इंटू एक्स ये चीज़ 3u के इक्वल है। तो हमने क्या करना है, सिंपल u को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे, फिर एक्स से मल्टीप्लाई, फिर u को विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट वाई से मल्टीप्लाई, u को विद रिस्पेक्ट टू जेड से डिफरेंशिएट करेंगे और जेड से मल्टीप्लाई, तीनों को ऐड कर देंगे तो मेरे पास आंसर ये आ जाएगा। अब देखें विद रिस्पेक्ट तीन फंक्शन आ रहे हैं एक्स वाई जेड, तो यहाँ पर देखो अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो वाई भी कांस्टेंट होगा और जेड भी कांस्टेंट होगा, बस इतना माइंड में रखें और सॉल्व करते हैं। चलें जी, तो यू आ गया, इसे इक्वेशन नंबर एक का नाम दे दें, पार्शियल डेरिवेटिव यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज वो क्या होगा, पार्शियल यू और पार्शियल एक्स इज इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स। चलें बच्चों अब यहाँ पर आ जाएँ, तो पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स की थ्री का डेरिवेटिव आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर। अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं तो ये वाई अकेला है तो जीरो हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं तो वाई भी कांस्टेंट जेड भी कांस्टेंट तो ये भी जीरो हो जाएगा, जेड क्यूब अकेला है कोई एक्स नहीं है इसके साथ तो ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा, बाकी थ्री विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं तो थ्री वाई जेड कांस्टेंट हो गया, वो बाहर आ जाएगा और एक्स का वन हो जाएगा। इसका जीरो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसके साथ वेरिएबल एक्स पड़ा है, यहाँ पर कोई एक्स नहीं था तो उनका जीरो हो गया। ठीक है बच्चों, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ गया थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई जेड, तो दोनों तरफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा थ्री एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई जेड। क्लियर हो गया। चलें जी, आप पार्शियल डेरिवेटिव यू का विद रिस्पेक्ट टू वाई ले रहे हैं, ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया दोनों तरफ y से। अब विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं तो x भी कांस्टेंट है और z भी कांस्टेंट है तो ये इसका जीरो हो जाएगा, y क्यूब का 3y स्क्वायर हो जाएगा और z क्यूब का जीरो हो जाएगा और इसका क्या आ जाएगा 3xyz का, विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं तो 3 भी कांस्टेंट है, x भी कांस्टेंट है, z भी कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लें y का 1 हो जाएगा। ठीक हो गया, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव आ गया थ्री वाई स्क्वायर प्लस थ्री एक्स जेड। अब क्या करें, दोनों तरफ वाई से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो जैसे वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा थ्री वाई क्यू प्लस थ्री एक्स वाई जेड। चलें जी, आप पार्शियल डेरिवेटिव यू का विद रिस्पेक्ट टू जेड ले लें तो वो क्या आ जाएगा, हाँ जी विद रिस्पेक्ट टू जेड लेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू जेड लेंगे तो एक्स भी कांस्टेंट है और वाई भी कांस्टेंट होगा, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव प्लस वाई क्यूब है तो ये भी कांस्टेंट है तो इसका भी जीरो हो जाएगा, जेड क्यूब का आ जाएगा थ्री जेड स्क्वायर और विद रिस्पेक्ट टू जेड ले रहे हैं तो थ्री भी कांस्टेंट है, एक्स भी कांस्टेंट, वाई भी कांस्टेंट, थ्री एक्स वाई बाहर आ जाएगा और जेड का वन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा जेड का विद रिस्पेक्ट विद इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड क्या आ जाएगा थ्री जेड स्क्वायर प्लस थ्री एक्स वाई। अब दोनों तरफ वाई से जेड से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा थ्री जेड स्क्वायर प्लस थ्री एक्स वाई जेड। अब इक्वेशन नंबर थ्री, अब इक्वेशन वन टू और थ्री तीनों को ऐड कर दें तो लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड होगी और राइट साइड राइट में ऐड होगी। चलें बच्चों जी, तो जैसे हम ऐड करेंगे तो मेरे पास ये सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें थ्री एक्स क्यूब प्लस थ्री वाई क्यूब प्लस थ्री जेड क्यूब प्लस, हाँ जी थ्री एक्स वाई थ्री एक्स वाई थ्री एक्स वाई, ये आ जाएगा नाइन एक्स वाई जेड। ठीक है, थ्री सब में कॉमन ले लें और ये जो बाकी रह जाएगा, थ्री कॉमन लेने से मेरे पास आ गया एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई जेड, और ये मेरा तो बच्चों वही ए था, यू था, यू गिवन था, ये यू इज इक्वल टू दिस, तो इसका मतलब है इसकी जगह मेरा क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, तो हैंस प्रूव। तो ये था बच्चों टॉपिक, ठीक है, डेरिवेटिव पोर्शन का सेकंड टॉपिक, पहला था सिंपल डेरिवेटिव और दूसरा है पार्शियल डेरिवेटिव पर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। तो इसमें जस्ट इतना याद रखना होता है कि अगर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं तो फिर y बाकी जो भी होगा वाई जेड वो कांस्टेंट होगा, अगर अकेला y है तो वो जीरो हो जाएगा, z अकेला है तो जीरो हो जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो वाई जेड कांस्टेंट और विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो एक्स जेड कांस्टेंट और विद रिस्पेक्ट टू z लेंगे तो x और y कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ आ गया होगा, अगर फिर भी कहीं पर कोई पॉइंट रह गया है तो काइंडली मुझसे पूछ लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।